बिग बॉस सीजन 12 का फिनाले जैसे जैसे करीब आ रहा है, घर में आरोपों का दौर और तेज होता जा रहा है। पिछले एपिसोड में रोमिल और श्रीशांत में फिनाले तक पहुंचने को लेकर काफी बहस हुई थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन को लेकर भी एक दूसरे को ताने मारते हुए नजर आए। अब बिग बॉस सीजन 12 के कल के एपिसोड में घर को दो टीमों में बांट दिया गया है, जिसमें ब्लैक टीम में करणवीर, रोमिल और दीपक होंगे, तो वहीं रेड टीम में श्रीशांत, दीपिका, सोमी और रोहित को रखा गया है। करणवीर बताते हैं कि जो भी इस टास्क को जीतेगा उसे यह पावर मिलेगा कि वो कालकोठरी की सजा सुनाने वाले कंटेस्टेंट्स को चुन सकते हैं। इसके बाद टास्क के अनुसार दोनों टीम्स को एक दूसरे से बोतलें छीननी होती हैं और जिस टीम के पास सबसे ज्यादा बोतलें रहेंगी वो टीम विजयी कहलाएगी। इसी दौरान श्रीशांत और रोमिल में बोतलों की वजह से काफी झगड़ा होता है। दीपिका टास्क में खेलने से मना कर देती हैं और सुरभि रेड टीम को विजयी घोषित करती हैं। सुरभि के इस फैसले के कारण करणवीर और दीपक उनसे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक और टास्क आता है जिसका नाम होता है पेंटबॉल कंपटीशन। इस कंपटीशन में रोमिल और श्रीशांत को एक दीवार को पीले और नीले रंग में रंगना होता है। इस टास्क के विजयी रोमिल रहे हैं।